अयोध्या गैंगरेप मामले में जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं पर प्रशासन का शिकंजा कस चुका है, वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने लिखा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार को सलाह दी है कि अपराध पर चिंता जताई है। उन्होंने आगे लिखा, यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद व चिंतित करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जात बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या की गैंगरेप पीड़िता बच्ची के परिजनों से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का उनको भरोसा दिया। योगी ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। भद्रसा नगर में बेकरी संचालित करने वाले मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को गैंग रेप के मामले में गिरफ्तार किया था। मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता और अयोध्या के सांसद का खास बताया जाता है।